ट्रूथ वे न्यूज में आपका स्वागत है। बठिंडा दोबियाना बस्ती में बिक रहे नशे के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने जहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं लोगों ने इलाके नौजवानों की तरफ से किए जाने वाले विभिन्न तरह के नशों की जानकारी पुलिस व प्रशासन को देने के लिए बाल्टियों में नशे का साजो सामान इकट्ठा किया। इस दौरान बाल्टियों में चिट्टे का नशा करने के बाद इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के कवक, भुक्की व नशीली गोलियों के खाली पैकेट इन बर्तनों में भरकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि नशे की वेस्टेज बर्तनों में इकट्ठा कर वह पुलिस थानों में भी दे चुके हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पुलिस कुछ लोगों को पकड़ती है, लेकिन इसमें कुछ दिनों बाद फिर से नशे की सप्लाई शुरू कर दी जाती है। लोगों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए शिरोमणि अकाली दल के हल्का इंचार्ज इकबाल सिंह बबली ढिल्लन भी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथ लेते कहा कि सत्ता में आने के लिए आपके नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे। इसमें कहा जा रहा था नशा सरकार बनते ही समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पंजाब में नशा खत्म होने की बजाय बढ़ा है। नशे की पूर्ति के लिए नौजवान चोरी, लूटपाट व मारपीट की वारदातें कर रहे हैं। बठिंडा में धोबियाना बस्ती, जनता नगर, बीरतलाब बस्ती जैसे इलाके नशेड़ियों का गढ़ बन चुके हैं, लेकिन पुलिस यहां तक नशे की सप्लाई पहुंचाने वाली चैन को तोड़ने में नाकाम हो रही है। कुछ लोगों को कड़कर कानून खानापूर्ति करने में लगा है। उन्होंने बताया कि धोबियाना बस्ती में नशे की सरेआम सप्लाई होने के चलते आए दिन नौजवान ओवरडोज लेकर मौत के मुंह में जा रहे हैं, वहीं दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है, विरोध करने वालों के साथ मारपीट तक हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिला पुलिस प्रशासन ने इलाके में नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया तो शिरोमणि अकाली दल इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी। पहले प्रशासकीय अधिकारियों को मांग पत्र सौंपे जाएंगे व अगर इस पर भी एक्शन नहीं हुआ तो वह सड़कों में उतरने पर मजबूर होंगे। मोहल्ले दीपियां वालों इकट्ठे होके नशा तस्करों के खिलाफ जो रोस धरना दिता जा रहा है, प्रशासन वालों उन्हों की कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि इन्हों तंग परेशान किया गया। इन्होंने रात हमला भी होया और फिर भी इन्होंने फोन करने के बावजूद पंजाब पुलिस का कोई नुमाइंदा कोई अफसर इतने नहीं आया। बहुत ही शर्मनाक गल है, पर पंजाब सरकार ने तो नशियां नूं आप बढ़ावा दे रही है। जिवें जलंधर दे विच एक ठेका खोलिया लेडीज़ वास्ते, इत्थे इन्हां दी सुनवाई की होनी है। बठिंडा शहर दे विच धोबियां दे मोहल्ले दे विच जो दिन रात नशे दे नाल आ पिछे एक बलगन है, इत्थे 5-6 मौतां हो चुकियां, एक बीबी दे दमाद दी डैथ हो गई है, उहदे लड़के दी हो गई है, उहदे पोते दी नशे नाल 3-3 डैथां हो चुकियां, एक बीबी दे लड़के दी डैथ हो चुकी है और दूजा लड़का सेंटर दे विच दाखल है। किन्नी शर्म की गल है, इन्हें 5-6 दिनों तो आके प्रशासन ने किसी ने कोई इन्हां दी सुनवाई नहीं की। आने वाले टाइम दे विच प्रशासन वालों जो इन्हां दीआं मंगां है, धोबियाना मोहल्ले दे विच पंजाब पुलिस द्वारा पहरा दिता जाए, सर्च अभियान शुरू किया जाए, उन्होंने फड़या जाए जो नशे का तस्कर ने, जो नशे का व्यापार करते हैं और इतने आके पीढ़ियों खराब करते हैं, उन्होंने परचे दिते जाने, उन्होंने अंदर किया जाए। इन्होंने मंग अनुसार जे उन्होंने मंगा ना मनिया, इन्हों की सुनवाई ना हो तो श्रोमणी अकाली दल प्रशासन अगे आपदे मंग पत्र भी देवे, असी रोस मुजहरे भी करा, जे फिर भी ना सुनवाई हुई तो असी प्रशासन के मिनी सैक्रटेट अगे असी धरना देवे। और जे उस इस गल की सारे पंजाब सरकार की जिम्मेवारी होगी, जो केजरीवाल ने आके इलैक्शनों दौरान वादे करे सी 4 हफ्तों के मैं नशा पूरा खत्म कर दूँ पंजाब दे विचों, 4 हफ्ते भी टप गए, 4 महीने भी टप गए, 1.5 साल हो चुका है, पर बल्कि नशा खत्म होने की बजाय 10-12 गुणा बढ़ चुका है। गलत अंसरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। किस तरह जो कल आप देखा है, मौड़ तो एक कपड़ा व्यापारी ने दुकानदार वालों लाइव होकर उन्हें दस्या भी पिछले महीने तो 1 महीने तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने गलत अंसर ने 10-12 लाख रुपया लै गए ने, तो हूँ कल तो बाद किस तरह एक दिन के बंदे फड़े गए। ये नलायकी है, सरकार की नलायकी है, प्रशासन की नलायकी है। एक जे एक बार लाइव होने करके तो तुम 12 घंटे पैन देते 2 घंटे च फड़ लिया, तो 1 महीना जो मत्था मारी गया थोड़े को पेश हो गया तो तुम उन्होंने गल नहीं सुनी। इस करके आ जो बीबिया ने धरना दिता है, प्रशासन को पहले ही इस इलाके सील कर देना चाहिए सी, और जो बंदे फड़े गए उन्होंने नहीं छड़ना चाहिए सी, उन्होंने हौसले इस गल वधदे ने गए जो बंद पता लग जाता भी जो सानू फड़ के छड़ दिता है। असी श्रोमणी अकाली दल इन्हां बीबियां वालों जो धरना दिता जा रहा है उन्होंने नाल खड़ा है, साडी समुची